नमस्कार, आर एंड रसोई में आपका स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा, मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल का हलवा। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। चने की दाल का हलवा बनाने के लिए हमने चने की दाल को साफ़ करके धो करके अच्छी तरह से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दी थी। देखिए, दाल हमारी अच्छी तरह से फूल गई है, इसका पानी हमने निकाल दिया है। अब इस दाल को हम मिक्सी जार में डाल करके पीस लेंगे। देखिए, दाल हमने बिल्कुल पीस ली है, बिल्कुल बारीक कर लेनी दाल हमें। अगर दाल नहीं पीसे तो उसमें थोड़ा सा आप दूध डाल लेना, आधी कटोरी। दाल बहुत अच्छे से पीस जाएगी, पानी नहीं डालना बिल्कुल भी पीसने में। एक कढ़ाई को हमने गरम कर लिया है, इसमें डाल देंगे हम 1 कटोरी देसी घी। डाल देंगे इसमें हम दाल, इसको हम भूनेंगे। इसमें हम घी और डाल देंगे। देखिए, दाल हमारी भून चुकी है, कलर भी इसका बदल गया है, बिल्कुल चेंज हो गया है और कढ़ाई से चिपक भी नहीं रही है दाल हमारी। देखिए, अब डाल देंगे इसमें हम 1 कटोरी दूध की मलाई। डालेंगे इसमें हम दूध, हमने 1.5 गिलास दूध डाला है। हमने 6 से 7 धागे केसर के दूध में भिगो के रखे थे, इसको डाल देंगे इसमें हम, आपके ऑप्शनल है। अब डाल देंगे इसमें हम चीनी, हमने 2 कटोरी चीनी ली है। मीठा अपने आप स्वाद के अनुसार कीजिएगा। अब डाल देंगे इसमें हम ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम और पिस्ता, तीनों को हमने काट लिया है। इलायची पाउडर डाल देंगे अब।
देखिए हलवा बन चुका है हमारा, कढ़ाई बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, देखिए अच्छी तरह से भुन भी गया है। हम गैस बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। इसमें हम थोड़े से ऊपर से गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट और डाल देंगे। लीजिए तैयार है हमारा चने की दाल का हलवा। देखिए बहुत ही अच्छा बना है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बना है हलवा। देखिए हमने एक कटोरी चने की दाल ली थी, डेढ़ कटोरी हमने देसी घी डाला है और दो कटोरी हमने चीनी डाली है। एक ही कटोरी के नाप से हमने सब कुछ डाला है इसमें, और हमने डेढ़ गिलास दूध डाला है, एक कटोरी हमने मलाई डाली दूध की। तैयार है हमारा चने की दाल का हलवा।